वेलकम टू अवामी टाइम्स। आपकी जो पत्रकार परिषद हुई है वो क्या विषय को लेकर हुई, क्या देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े जातियों के लिए जो प्राविधान जो सुविधाएं दी हैं उसमें से आरक्षण भी एक है। अब हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है, केंद्र सरकार आई है, तब से बारंबार अल्पसंख्यक हो या पिछड़े जाति हो इन पे अत्याचार शुरू ही है। और ये कोशिश जारी है कि जो संविधान के मार्फ जो तहत जो उन्हें सोए सुविधा उपलब्ध हो रही हैं किसी तरह से वो उसे बंद किया जाए, वो प्राविधान जो दिए हैं उनका हनन किया जाए। इसी कोशिश में जो पिछड़े जाति हैं, जो मूल आदिवासी लोग हैं जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण मिलता है जिसे हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन कहते हैं, उसे बंद कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जो आरक्षण है ये असंवैधानिक है, यह आरक्षण जो है वो 74 से मिल रहा है और इसके वजह से जो पिछड़ी जाति हैं वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जो गांव खेड़े में रहते हैं उन्हें नौकरी की एक संधि मिलती है जिसके वजह से वो नौकरी के तलाश में एक परिवार का एक आदमी जो है वो शहर में आता है और अपने पूरे परिवार को वो आगे बढ़ाता है, ये उसके पीछे का मूल उद्देश्य है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सरकार की जो नाकाम कोशिश हो रही है ये आरक्षण ख़त्म करने की, उसके विरुद्ध में आज ये चिंतन बैठक यहाँ पे थी जहाँ पे हम लोगों ने इस विषय पे गहन मंथन किया है। और मंथन करने के बाद ये हमने सूचना आई है, एक ये इस तरह से हमने डिसाइड किया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना ज़रूरी है जिसके वजह से जो संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, संविधान को बदलने की जो कोशिश चल रही है और अल्पसंख्यक और पिछड़े जातियों के ऊपर जो अत्याचार करने का, जो बारंबार अत्याचार करने का जो एक मंसूबा सरकार ने रखा है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना और ये सब करने से सरकार को रोकना, ये अब हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और उसी के लिए ये चिंतन बैठक थी और ये चिंतन बैठक हमारी यशस्वी हुई है और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये कब होने वाला है? तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो है आपके साथ में है और किस तरह से आप ये करेंगे और सरकार को आपने क्या इस मामले में मेमोरेंडम भी दिया है? आज की ये जो चिंतन बैठक थी, इस चिंतन बैठक के बारे में आपको बता दूं कि सरकार को तो कई बार निवेदन हम लोग दे चुके हैं, पहले से ही दे चुके हैं, फिर भी सरकारों ने इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया और कुछ इन लोगों की जो अति पिछड़े हैं, मतलब जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही होमलेस लैंडलेस एजुकेशन क्लास है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आपने देखा होगा इस चिंतन बैठक में एक सबसे बड़ा आज का जो विषय हमने रखा जातिगत जनगणना, जनगणना। आज आज़ादी के बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है और जातिगत जनगणना ना होने के कारण इस देश में जो सरकारें आज तक की कहती आ रही है कि हमने बहुत बड़ा विकास किया है, तो ये विकास किसके पास पहुंचा है, कितने लोगों के पास पहुंचा है? इतना अगर ये विकास लोगों के पास पहुंचा है कहते हैं तो देश में आज इतनी आर्थिक सामाजिक जो शैक्षणिक हर क्षेत्र में जो विषमता फैली हुई है वो विषमता कैसे है? सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को दाल चावल दे रहे हैं, एक तरफ कह रही है 80 करोड़ लोगों को दाल चावल दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रही कि हमने विकास किया है, तो विकास किसके पास पहुंचा? अगर ये विकास का असली चेहरा अगर सामने आना है तो सभी इस देश के सभी नागरिकों की जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का असली चेहरा 75 साल के बाद क्यों न हो वो बाहर आना चाहिए। फिर जो हेल्थ सेक्टर, क्योंकि ये जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं ये केवल रिजर्वेशन के लिए नहीं कर रहे, मैं आपको एक इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, 1931 में जो जनगणना हुई उस जनगणना के आधार पर SC ST को पहचान मिली, तो इसी तरह से पहचान इस देश के सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। और इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड इस देश के सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। सरकारें करिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, नागरिक तो प्रयास कर रहे हैं, नागरिक तो अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन क्या सरकारें सचमुच उन सभी नागरिकों के लिए प्रयास कर रही है? अगर प्रयास करती तो इतनी आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता क्यों फैलती? ये विषमता दूर अगर करनी है और भविष्य के लिए, बेहतर भारत के लिए अगर अच्छा नियोजन और नीति बनानी है तो जातिगत जनगणना सभी नागरिकों की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की ही जनगणना ये कल का जनकल्याण हो सकता है। इससे अगर ये आंकड़े, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े एक आईना है, ये आईना सामने आना बहुत ज़रूरी है और इस आईने के माध्यम से बेहतर भारत के लिए, सुखी संपन्न और समृद्ध भारत के लिए जातिगत जनगणना होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा 1996 में देवी गौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्वयं जातिगत जनगणना के बारे में इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने केवल धोखाधड़ी करके ये जातिगत जनगणना के बारे में अड़ंगे रुकाए हैं। आज जब देश में इतना बड़ा विकास, जिसे कहते कि तकनीकी विकास हुआ है, डिजिटल का युग कहते हैं, ऐसे डिजिटल के युग में सरकार अपनी अकार्यक्षमता क्यों बता रही है, यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और हर भारतीय नागरिक को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और देश के हर नागरिक का विकास अगर करना है तो जातिगत जनगणना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बातें आज हमने यहाँ रखी है। इसी तरह महाराष्ट्र के राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा आयोग ने इन मूल विमुक्त घुमंतुओं को जो क्रिमिलेयर लगाया है, यह क्रिमिलेयर रद्द करने की सिफारिश दो बार कर चुका है राज्य पिछड़ा आयोग, फिर भी राज्य सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो इसका भी हम निषेध करते हैं। और विमुक्त घुमंतु को जो क्रिमिलेयर लगाया गया है वो जल्द से जल्द सरकारें रद्द करें, यही हमारा आज का विषय था। थैंक यू।